आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। उच्चिष्ट गणपति की आराधना में अनूठे यज्ञ का आयोजन संपन्न। यज्ञ आचार्य ने दी अपनी आहुति। साधु संत के साथ मौजूद रहे जन प्रतिनिधि। सनावन भगवान उच्चिष्ट गणेश की श्रद्धा भक्ति में हुए यज्ञ के दौरान यज्ञाचार्य ने अपनी आहुति देकर भगवान गणेश की भक्ति में अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान करीब 150 से अधिक दंपतियों ने विभिन्न व्यंजन की आहुति देकर संकल्प लिया। राष्ट्रीय संत और कांग्रेस भाजपा के जन प्रतिनिधि भी इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे। भगवान गणेश के 10 दिवसीय पर्व का आयोजन जारी है। वहीं नगर की सीमा पर स्थापित उच्चिष्ट महागणपति मंदिर में वर्ष में एक बार ऐसे अनूठे यज्ञ का आयोजन होता है जिसमें मंदिर के आचार्य द्वारा यज्ञ में अपनी आहुति दी जाती है। इस दौरान करीब 6 घंटे तक चले इस धार्मिक आयोजन में विद्वान ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से आयोजन स्थल गुंजायमान रहा। उच्चिष्ट गणपति मंदिर के व्यवस्थापक पंडित संदीप बर्वे ने प्रतिवर्ष भगवान उच्चिष्ट गणेश की स्तुति की जाती है ये बताया। उसी के अंतर्गत मंदिर पर सुबह 8 बजे भगवान गणेश की स्थापना के साथ आयोजन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे 151 दंपतियों ने संकल्प लेकर विभिन्न व्यंजन चावल घी शक्कर गुड़ परमल तिल्ली दाने पोहा गन्ना शहद नारियल चना दाल करीब 150 से अधिक खाद्य वस्तु यज्ञ में आहुति देकर समर्पित की। क्षेत्र में इस तरह के अनूठे आयोजन में नगर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। महामंडलेश्वर कथावाचक हुए शामिल। मंदिर के प्रवक्ता विवेक विद्यार्थी ने बताया कि आचार्य बर्वे द्वारा यज्ञ के पूर्ण साधना के साथ 10 दिनों तक प्रतिदिन मौन साधना की जाती है। उसी के समापन पर इस अनूठे महायज्ञ का आयोजन होता है। इसमें महंत कंतक वाचन पूर्व गृह मंत्री विधायक भी शामिल हुए। आयोजन के दौरान जैसे जैसे यज्ञ की गतिविधि बढ़ाते वैसे ही जनप्रतिनिधि साधु संतों के अन्य अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू होता गया। इस दौरान उत्तम स्वामी महाराज ने भी आयोजन में शामिल होकर अपने आशीर्वचन दिए। वहीं प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज भी आयोजन में आरती के दौरान शामिल हुए, जहां उन्होंने आरती कर इस धार्मिक आयोजन में गणेश जी पर प्रेरक जानकारी देकर श्रद्धालुओं को आशीर्वचन दिए। रविशंकर आश्रम के प्रवीण शर्मा के साथ पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन विधायक रवि जोशी मंडलेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष विश्वदीप मोयदे सहित कई राजनीतिक दल से जुड़े हुए पदाधिकारी इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं यज्ञ समाप्त होने के बाद पूर्णाहुति में अपनी आहुति देकर खुद को कृतार्थ महसूस किया। इस दौरान गुजरात कलकत्ता सतवास इंदौर खरगोन खंडवा बड़वाहा सनावत धार धर्मपुरी धामनोद सहित अन्य शहरों से श्रद्धालु यज्ञ में शामिल होने के लिए आए। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।